रातो है, मैं एकता समिति महिला एकता समिति की मेंबर हूँ। ये आज किस तरह का आप लोग पेड़ लगा रही है, क्यों लगा रही है? आज वट सावित्री की पूजन भी है और मैं पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगा रही हूँ। इससे क्या फायदा है? इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें बहुत कुछ मतलब फायदे हैं, हवा पानी हर चीज के लिए हम लोग को फायदा है इससे। मेरा नाम मोनिका पांडे है, मैं महिला एकता समिति की अध्यक्ष हूँ। आज ये किस तरह का आप लोग पेड़ पौधा लगा रही है, इसका क्या संदेश है, क्या समाज में देगा? आज हम लोग चूंकि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम लोग उसकी पूर्व संध्या में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कहाँ पर है, लगवा रही है? ये डोमरी गांव में और यहाँ की महिलाओं द्वारा जो है, स्पेशली यहाँ के महिलाओं के माध्यम से ये पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं जिस प्रकार अपने घर को बच्चों को जिस तरीके से पालती हैं, उस प्रकार इस पौधों को लगा करके पौधों को भी अपने बच्चे के समान इसको पाल पोस करके इसको बड़ा करने का काम करें। समाज में संदेश देना चाह रही है? समाज में ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी लोग पेड़ पौधे को काटते हैं या पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, वो इन प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाएं और पेड़ पौधे को जरूर लगाएं। जी, मेरा नाम प्रतिमा पांडे एडवोकेट है और मैं इसमें जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ। ये आज किस तरह का पेड़ पौधा और किस उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है? आज हम लोग के हिंदू शास्त्र के अनुसार आज वट सावित्री का पूजन है महिलाओं के लिए, जो कि काफ़ी पूजनीय और माननीय भी है, जिसमें कि आज वट देवता की वट वृक्ष की पूजा महिलाएं करती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने पेड़ लगाए नहीं जा रहे उतनी तेज़ी से पेड़ का कटाव जारी है, तो इस उपलक्ष्य में और इस पावन पर्व पे आज हम समस्त महिलाएं मिलकर यहाँ वृक्षारोपण का आयोजन किया। ये कितने पेड़ लगाए गए? लगभग 60-70 पेड़ हैं, 100 पेड़ से ऊपर ही हैं।